नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपनी टेली कंपनी के डेटा को सीए तक किस तरह से भेज सकते हैं। जनरली फाइनेंशियल ईयर के एंड पर या जीएसटी आने के बाद मंथली और क्वार्टरली डेटा हमें अपने सीए तक भेजना होता है। ये एक छोटा सा टास्क है, लेकिन फिर भी जो नए यूजर्स होते हैं उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी को पॉइंट आउट करते हुए आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप टैली के वैल्यूबल डेटा को किस तरह से ठीक प्रकार से अपने सीए तक भेज सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टैली में जब भी हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो टैली बाय डिफ़ॉल्ट उसके सारे डेटा को डेटा नाम के एक फोल्डर में स्टोर कर देती है। और जब बात आती है कि हमें अपने डेटा को या हमें अपनी रिपोर्ट्स को सीए को भेजना है, तो हमें उस डेटा नाम के फोल्डर की लोकेशन का पता होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारी ये कंपनी है अकाउंट्स विद इन्वेंट्री करियर प्लैनेट, हम इसका डेटा अपने सीए को भेजना चाहते हैं। तो इसका डेटा हमारे सिस्टम में कहाँ स्टोर है? तो वो जब आप कंपनी सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करते समय आप ऊपर की तरफ देखेंगे, सेलेक्ट कंपनी में ही पाथ लिखा हुआ आता है। इस पाथ में आपको एड्रेस मिलता है c:\users/public/tele.erp9/data। दोस्तों, ये डिफ़ॉल्ट पाथ है जहाँ टैली सारी कंपनीज के डेटा को स्टोर करता है। और स्टोर करते समय आप यहाँ नंबर्स देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं और उनके आगे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इन नंबर्स के आधार पर ही टैली इस डेटा नाम के फोल्डर में अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर देता है। अब यहाँ से हमें जिस कंपनी का डेटा अपने सीए को भेजना है, उस कंपनी के नेम के आगे आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारी कंपनी अकाउंट्स इन्वेंट्री करियर प्लैनेट, उसके आगे नंबर आ रहा है 114। ये नंबर हमें ध्यान रखना है और इस नंबर के अकॉर्डिंग हमें डेटा वाले फोल्डर में से इस फोल्डर को एक्सेस करना होगा। तो यहाँ से ये पाथ हमने देख लिया। दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हो सकता है आपके सिस्टम में किसी और ड्राइव पर, हमारे यहाँ पर सी ड्राइव है, बाई डिफ़ॉल्ट ये रहती है, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम में डी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी और ड्राइव पर ये पाथ सेट कर रखा हो, तो आपको उस पाथ के अकॉर्डिंग अपने डेटा वाले फोल्डर को एक्सेस करना होगा, ढूंढना होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही पाथ मिलेगा। सबसे पहले आपको सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में आप जाइएगा यूज़र्स, यूज़र्स में पब्लिक, पब्लिक में tele.erp9, और यहाँ पर आपको डेटा वाला फोल्डर दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे फोल्डर्स नंबर वाइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमें जिस कंपनी का डेटा अपने सीईओ को भेजना है वो है 114। तो आपको इस लिस्ट में से 114 सर्च करना है और इस फोल्डर को कंप्रेस करना है। उसके लिए आप राइट बटन क्लिक कीजिएगा। आपके सिस्टम में विनरार, विनजिप, इस तरह से कंप्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उनका यूज़ करते हुए आप इसे जिप कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे ही सेंड टू पर जाएंगे, सेंड टू में भी आपको कंप्रेस्ड जिप्ड फोल्डर यहाँ पर दिखाई देगा। इस ऑप्शन का यूज़ करते हुए आप उस फोल्डर को जिप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जिप करने के बाद उस फोल्डर का आप पर्टिकुलर नेम दे दीजिए, साथ में फाइनेंशियल ईयर भी ऐड कर दीजिए ताकि आपको पूरा क्लियर रहे कि किस फाइनेंशियल ईयर का डेटा आपने भेजा है, किस पीरियड का डेटा आपने भेजा है। इस जिप फोल्डर की साइज़ आप देखिए 140 KB है। अब हमारा डेटा कंप्रेस्ड हो चुका है और इसे हम मेल के माध्यम से आसानी से अपने सीए तक भेज सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप अपनी मेल आईडी ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं करियर प्लैनेट टैली डेटा, और नीचे आपको अटैचमेंट मिलेगा, अटैच फाइल ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। और अभी हमने जो जिप फाइल क्रिएट की थी उसे सेलेक्ट करते हुए इस मेल के साथ हम अटैच कर देंगे और इसे अपने सीए को सेंड कर देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि हम कितनी आसानी से अपने टैली डेटा को अपने सीए तक भेज सकते हैं। इसके साथ साथ कई बार हम अपने टैली डेटा का बैकअप लेते हैं और उस बैकअप को भी सीए को भेजते हैं। बैकअप लेने के बाद कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम ये आती है कि वो बैकअप सीए के सिस्टम में रिस्टोर नहीं हो पाता है। कई बार फाइल्स मिस हो जाती हैं और हमें फिर से उस प्रोसेस को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप फोल्डर को जिप करें और उसे अपने सीए तक मेल के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, जैसा आपको कन्वीनियंट मेथड लगे उसके माध्यम से भेजें। दोस्तों, यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको
करियर प्लानेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी, उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।